आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि ए रे ऑफ लाइट मेक्स एन एंगल 20 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड स्ट्राइक्स ए प्लेन मिरर व्हिच इज इंक्लाइंड एट थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। द एंगल थीटा फॉर व्हिच द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल इज। ओके, सो क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक रे है जो कि हॉरिजॉन्टल से, सपोज करो ये इंसिडेंट रे है, ठीक, ये ऐसे आई एंड ये हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री इंक्लाइंड है। ओके, एंड ये जब प्लेन मिरर को स्ट्राइक की तो ये वर्टिकल निकली है, ठीक है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया। ओके, एंड जो प्लेन मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल इंक्लाइंड रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। ओके, तो यही थीटा का वैल्यू बताना है। थीटा का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये जो रे आई 20 डिग्री पे वो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से 90 डिग्री यानी कि वर्टिकली निकलेगी। ओके, तो इस मिरर के लिए ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमें मिलेगा ये 20 डिग्री है, ठीक है। सो अगर ये एंगल 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 90। ओके, एंड ये थोड़ा सा एंगल जो है 20 है, तो ये टोटल एंगल जो होगा बड़ा वाला वो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा उसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 70 डिग्री। ओके, क्योंकि ये 20 है, ये 70, टोटल 90। ओके, अब ये 70 डिग्री है, ठीक है, जिसमें ये जो एंगल है वो इंसिडेंट एंगल है एंड ये एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। एंड हमारे पास क्या होता है, प्लेन मिरर के लिए इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ठीक, एंड इन दोनों का जो सम है, इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल का जो सम है वो दिया हुआ 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू होगा वो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, यानी कि ये जो एंगल होगा ये एंगल, ये 35 डिग्री एंड ये एंगल भी 35 डिग्री। ओके, अब हम लोग को केवल थीटा का वैल्यू पता करना है। ओके, तो अगर देखें तो यहाँ से लेके ये जो एंगल होगा, ये सिंस की ये नॉर्मल लाइन है मिरर पे, ओके, तो ये 90 डिग्री होगा, ये बड़ा वाला एंगल। ओके, अब 90 डिग्री में से यहाँ से लेके यहाँ तक 35 एंड यहाँ से लेके यहाँ तक 20, तो बचा कितना, थीटा। तो अगर हम लोग लिखे 35 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकाला है तो वो हम लोग को मिलेगा 35 डिग्री। सो अगर एंगल प्लेन मिरर को 35 डिग्री पे इंक्लाइन करके रखें तो ये जो रे आएगी 20 डिग्री पे वो स्ट्राइक करने के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में निकल जाएगी। ओके, सो ये एक आंसर हो गया हमारे पास। एक और कंडीशन पॉसिबल हो सकता है, अभी तो ये जो रे थी वो ऐसे थी ना, ऐसे भी हो सकती है इंसिडेंट रे, ठीक है, ऐसे इंक्लाइन ये 20 डिग्री बना के। ओके, तो वो वाला केस समझ लेते हैं अभी। तो ये आया हमारा दूसरा केस, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, एंड ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, जो इंसिडेंट रे है वो एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ 20 डिग्री बना रही है, ऐसे, ये 20 डिग्री, जो फर्स्ट केस था उसमें ऐसा बन रहा था, कुछ ऐसा इंसिडेंट रे था एंड ये 20 डिग्री बन रहा था। ओके, अब देखो अब क्या हो रहा है, ये 20 डिग्री हो गया एंड ये नॉर्मल, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री एंड ये प्लस 20 डिग्री, ठीक, तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू निकालें तो ये जो एंगल होगा यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल एंड ये एंगल होगा वो हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ओके, तो इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल प्लस रिफ्लेक्टेड एंगल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 90 प्लस 20 यानी कि 110 डिग्री। ओके, अब इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर बराबर होते हैं, तो इसीलिए यहां से निकाल सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल का जो वैल्यू हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, 110 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट विल इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, दिस इज आल्सो इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, तो ये आर का जो वैल्यू आया हमारे पास 55 आया, आई का जो वैल्यू आया वो भी 55 आया। ओके, अब हम लोग को ये थीटा पूछा है, ये थीटा यानी कि ये जो प्लेन मिरर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइंड है। ओके, तो देखते हैं यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है टोटल, यहां से लेके यहां तक का वो 90 डिग्री। ओके, एंड यहां से लेके यहां तक का जो वैल्यू है उसका वैल्यू कितना है, 55 डिग्री, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का वो हो जाएगा 90 माइनस 55। ओके, तो अगर इस एंगल का वैल्यू निकालें, ये एंगल का वैल्यू, तो वो हो जाएगा
सपोज करो ये एक्स एंगल है, ठीक है, तो एक्स का के वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 90 माइनस 55 डिग्री, दैट विल इज इक्वल टू 35 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, थीटा जो है, थीटा वो क्या है, यहां से लेके ये एंगल टोटल, ओके, यानी कि एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा एक्स प्लस 20 डिग्री, एक्स का वैल्यू कितना है 35, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो दूसरा जो केस आया उसके लिए जो एंगल आया थीटा का वैल्यू वो 55 आया, एंड फर्स्ट वाले जो केस था उसके लिए थीटा का वैल्यू जा 35, ओके। सो ऑप्शंस में ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 55 डिग्री एंड 35 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।